जल जीवन मिशन में 16 विधान के प्रत्येक घर को नल सुविधा से उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने 16 हलके के थुरल क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 21 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आरंभ में ऐसे घरों को नल सुविधा दी जाएगी जहां अभी तक नल नहीं है। परमार ने थुरल क्षेत्र में जारी विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत मरहू में मुख्यमंत्री एक बीजा योजना के कार्य 9 करोड़ की लागत से बनने वाली थुरल से बचवाई सड़क और न्यूगल नदी पर बनने वाले पुल के कार्य समाप्त, 5 करोड़ की लागत से बन रहे महाराजा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल के अतिरिक्त भवन तथा 2 करोड़ से बनने वाले सिविल हॉस्पिटल थुरल के भवन के कार्य का निरीक्षण किया तथा कार्यों की समीक्षा की। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने थुरल में मुख्यमंत्री राहत कोष से 18 लाभार्थियों को 3,60,000 रुपए के चेक वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन का कार्य सेवा भाव से करते हुए जरूरतमंद लोगों के काम आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही सच्चे नारायण सेवा है, इसलिए हमें निर्धन जरूरतमंद लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने 16 विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी का कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोविड फंड 35 लाख रुपए का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और संकट की इस घड़ी में लोगों के योगदान की सराहना की। उसके काम शुरू हो चुके हैं, पर आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, प्रधान जी ने बहुत विस्तार से बात कह दी। उपलब्धियां इसलिए गिनाई जाती हैं क्योंकि वो जनता की जरूरत है। अगर अब हम बछुआई को थुरल के साथ जोड़ रहे हैं तो सदियों पुरानी बात श्री शांता कुमार जी की मुझे याद आ रही है, जब चंगर को उन्होंने थुरल के साथ जोड़ा था, वो रो ब्रिज के माध्यम से आज हम लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से सड़क भी बनाएंगे और पुल भी बनाएंगे। इसका जो हमने संकल्प लिया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। देखने के लिए जा रहा हूं वहां पर, या घर के नजदीक +2 स्कूल है, वहां पर क्या सुविधाएं हैं कि नहीं है? अब सुविधाएं हैं या नहीं है तो कॉलेज कैसे वातावरण में चल रहा है? इसलिए तो बच्चे यहां पर कभी 100, कभी 90, कभी 150। भाई बच्चों को पढ़ने का कॉलेज जैसा माहौल चाहिए। तो आज लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बन करके कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। मैंने पिछले कल इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपया और भेजा है, मैं ये भी जानता हूँ, 1 करोड़ रुपया चिट्ठी आ गई। तो ये व्यवस्था है। अब हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का बना दिया है, अब यहाँ पर 12 डॉक्टर्स हैं, स्टाफ की पूर्ति है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। पर अगर अब 100 बिस्तरों का ये अस्पताल है तो अभी तो यहाँ पर 50 या 40 बिस्तरे ही लगते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करने के भी आदेश आ चुके हैं और मैंने 2 करोड़ रुपया अग्रिम राशि जो है उसके लिए जमा करवा दी है। ये तो मैं कह रहा हूँ जिम्मेवार आदमी के रूप में कह रहा हूँ। ये हमने उसको तहसील का दर्जा दिया है, जरूरत थी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि इन बातों का इलाके की जनता को, कोरोना के बाद लंबी दूरियों की बसें कुछ प्रभावित हुई हैं, परंतु हमने सुपर फास्ट बसों के माध्यम से आपको शिमला से भी जोड़ा है, हमने आपको रामपुर से भी जोड़ा है, हमने परवाणु के साथ भी जोड़ा है, चंडीगढ़ के साथ भी जोड़ा है, और ये काम हमने 2.5 सालों में करके दिखाया है।